नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सारनाथ के बौद्ध स्तूप पर। यहाँ पे जो है बौद्ध अनुयायियों का जमावड़ा था। आज जो है 23 मार्च को बौद्ध भिक्खुओं को रोका गया था, उसी के परिपेक्ष में आज शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। हमारे साथ में बंते जी, हम उनसे बात करेंगे क्या उद्देश्य रहा इस तरह का जो है मैसेज देने का। जी, हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो भूमि है ये ऐसी पवित्र भूमि है कि ये स्वर्ग में स्वर्ग से भी बड़ी स्वर्ग भूमि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो पांच भिक्षु, उसको पांच परिवारजक बोलते हैं, सबसे पहले अपना ज्ञान दिया, उसको धम्म चक्क पवत्तन सुत्त बोलते हैं, जो अभी अभी यहाँ पर बोला गया। वो धम्म चक्क पवत्तन सुत्त, उसके माध्यम से पांच लोगों ने, उसके नाम थे वप्प, भद्द, अश्वजीत, कौंडिन्य, महानाम, इन पांच लोगों को इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया, मार्ग दिया। कौन सा मार्ग दिया? कि ये संसार के सारे दुखों से मुक्त होने का, इस ब्रह्मांड के सारे भवचक्र से मुक्त होने का ज्ञान दिया। और वो पांच ही लोग अरहंत हो गए। फिर उसके बाद वहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया। ढाई हजार साल से ये जो भूमि है ये इतनी पवित्र भूमि आज भी है जो पहले थी, आगे भी रहेंगे। और यहाँ पर आज तो हजारों लोग आए और हजारों लोगों ने सुना, लेकिन यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। लेकिन कुछ कारणवश दो साल से मैं आया दो बार, लेकिन कम लोग मुझे यहाँ पर दिखने को मिले, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसके कारण या इसके वजह से। फिर भी हम आए यहाँ पर, अपनी गाड़ी से आए, ट्रेन से आए, फिर भी आए, क्योंकि हमारे दिल में, हमारे मन में उनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि हम यहाँ पर कहाँ पर भी अगर हम नतमस्तक हो जाए तो पवित्र समझते। आज हमको इतनी खुशी है कि ये खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज सैकड़ों भंते जी यहाँ पर है, हजारों भंते जी है, हजारों लोग यहाँ पर है, तो हम लोग इतने मतलब कि खुश है, मन में खुश है, दिल में खुश है, और दिमाग एकदम फ्रेश और माइंड एकदम फ्रेश यहाँ पर लग रहा है ये लोगों का जमावड़ा देख के। लेकिन यहाँ की जो पुरातत्व विभाग है या कुछ सरकारी लोग है, कुछ भंते को 23 मार्च को आने से जो रोका है, तो हम इसका पुरजोर खूब बहुत ज़्यादा विरोध करते। क्यों? क्योंकि ऐसी कौन सी भूमि नहीं, कौन सा धर्म नहीं कि उसका जो जो भिक्षु हो या उसका एक महंत हो, किसी मंदिर का महंत हो, मुस्लिम का कोई एक मौला हो, उसको नहीं रोका जाता, क्रिश्चियन का कोई हो उसका नहीं रोका जाता। लेकिन जी, एक सवाल ये है, जब प्रधानमंत्री जी जो है दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपको जो है बुद्ध दिए हैं, और अपने ही देश में आते हैं तो जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर देशों में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। और जापान में जब गए थे तो उन्होंने उनके प्रधानमंत्री को एक गीता भेंट की थी, मैंने एक चैनल पे देखा है। मैंने भी 16 देशों से जाके आया, आशिया के तो बुद्धिस्ट देशों से जाके आया चाया, यूरोप कंट्री के देशों में भी मैं गया, वहाँ से आया। लेकिन भगवान बुद्ध को वो लोग ऐसे मानते हैं, और वो लोग झूठे नहीं हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। और इस भारत देश में ऐसा एक कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इतनी खराब हो गई या चरमरा गई है कि लोगों का जीना हराम, अभी जीना हराम हो गया लोगों का, मतलब कायदा उनका बराबर नहीं, कानून उनका बराबर नहीं, उनको न्याय नहीं मिलता, सिर्फ उनको जातिवादी हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इस पर लड़ाया जाता है और वोट जीता जाता है। लेकिन ये हमारे जो पवित्र स्थल है, बुद्धिस्ट स्थल है, बुद्ध गया महाबोधि विहार के लिए हमने 99 वंश आंदोलन चलाया जब मैं बहुत छोटा था। बंते सुरेश ससाई जी का आप नाम सुना होगा, पहले लोग वहाँ पर, हम भी जाते थे, लोग भी जाते, पैसा देकर खाना नहीं मिलता, पैसा देकर पानी नहीं मिलता, कहाँ कहाँ जाते हैं हम भूखे प्यासे, जो भी मिलता इधर उधर दूर दूर तक जाते तभी खाना मिलता। तो वो भी हमने कितने मुसीबत से और कितने हाल अपष्टा सहन करके वो मुक्त कर दिया। उसी की तरह जो यहाँ पर इस जगह पे हम जो है,
अगर सरकार का ऐसा ही अगर रवैया निरंतर चलता रहा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पंते जी, बुद्ध के जो अनुयायी हैं युद्ध नहीं करते हैं, शांति रूप से जो है प्रदर्शन करते हैं, तो कैसे करेंगे आप लोग? देखिए बुद्ध के अनुयायी हैं हम, जो है हम शांतिवादी हैं, हम किसी को मतलब किसी से झगड़ा भांडन तंटा तूफान ये कभी नहीं करते, और किसी ने अगर हमारे विरुद्ध कुछ बोला भी या कुछ किया भी फिर भी हम शांत रहते, लेकिन उस बात की भी एक खूब बहुत सारी लिमिट होती है। जैसा भगवान बुद्ध ने एक समय बताया राजा को कि राजा, दूसरा राजा आपके ऊपर बार बार आप आक्रमण करता है, राजा भगवान बुद्ध के पास जाता है और बोलता है तो आपके बताए हुए वो भगवान बुद्ध को शरण जाता है। अभी भी भंती जी ने बताया नत्ति में शरणंग यंग संगो में शरणंग यंग, मैं बुद्ध को धम्म को संघ को शरण जाता हूँ, उसके बिना मेरा दूसरा कोई शरण नहीं है। तो उस ये आपके आपके मार्ग से मैं चल रहा हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध बोलते जब कोई उसके ज्यादा की अगर बात हो तो आप भी उसको तत्पर रहिए। जैसा कि इसके पास मेरे पास अभी बताने लायक बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरा नाम भदंत प्रज्ञानंद है। तो नागपुर से कब आए सर इधर? मैं नागपुर से कल आया, मुझे सुनने को मिला मतलब मैं फेसबुक के माध्यम से देखा कि यहाँ कैसे लोग कैसे जाते, और मैं सुबह जब यहाँ आया तो ये मुझे पता नहीं था कि ये 9 बजे खुलता है करके, कोई भी पूजा का स्थान है 6 बजे खुलता है। तो मैं सुबेरे यहाँ पर आया, कम से कम 7:30-8 बजे के दरमियान, मेरे साथ में कुछ लोग भी थे, कुछ बर्मा के 2 भिक्षु भी थे और कुछ आदमी थे, वो भी इधर उधर भटक रहे थे। तो मैंने बोला बंती जी आप यहाँ पर क्यों खड़े? तो वो बोले जाने नहीं दे रहे। बोले तो मैंने बोला क्यों? अभी समय है बंती जी, बोले 9 बजने के लिए समय है। बोले तो मैं बोला क्या 9 बजे क्या खुलता है, ये तो सुबेरे ही खुलना चाहिए, ये तो एक पूजा का स्थल है। तो फिर मुझे पता चला कि ना, मैं जब अंदर गया, किसी भी धर्म का जो स्थल होता है कोई समय नहीं उसका होता है, तो ये बौद्ध धर्म में क्यों 9 बजे? हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ, हर जगह जिसका टाइम होता है वो अपने अपने टाइम से पूजा करते हैं, लेकिन हम इस सरकार के टाइम से या आर्कियोलॉजिकल विभाग से या वन विभाग से, ये ऐसा क्यों हमारे साथ बुद्धों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्योंकि हमारा भी एक अस्तित्व है इस पर, जी कि जैसा बुद्धगया में है, सारनाथ में है, कुशीनगर में है और लुम्बिनी में है, यही जगह हमारे लिए उतनी ही पवित्र है कि जितनी बाकी लोगों के लिए अपने अपना धर्मस्थान पवित्र होता है, ये भी जगह हमारे लिए उतनी ही एक पवित्र है। और इस जगह के लिए अगर इसके आगे हमको अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा या कुछ भी ये करेगा तो हम इसके लिए और बड़ा कदम उठा सकते हैं या इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम अपनी जान भी दे सकते। किस तरह का ऐलान होगा सर अगला, जो कह रहे हैं कि प्रदर्शन होगा, तो किस तरह का होगा? अभी तो यहाँ पर हजारों ही लोग थे और किसी स्टेट पे आए थे, मतलब समझो 4-5 स्टेट से लोग आए होंगे। दूसरी बार अगर ऐसा यहाँ अगर होता है, पूरे देश में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आएंगे, और पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आएंगे, आने के बाद में हम सीधा सरकार के ऊपर हम बड़ा मोर्चा या बड़ा सरकार को हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ऐसी भूमि है कि हम यहाँ पर अगर कोई हमको मारेगा भी तो हम समझे कि हमारा हमको ना ही मतलब जीने की खुशी होगी ना मरने का डर होगा, यही हमारा पवित्र स्थल है, अगर यहाँ पर भी दफन हो जाए तो हम खुश है, उसके लिए हमको कोई एक डरने की बात नहीं है, हम ना डरेंगे ना कुछ करेंगे, चाहे सरकार हमको कुछ भी करे, कितनी लाख बार कोशिश करे, हजार बार कोशिश करे, हमारे लोग आएंगे यहाँ पर, देश अभी आप सोचिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, मुझे रशिया के लोग मिले, चाइना के लोग मिले, कोरिया से लोग मिले, फोटो है मेरे मोबाइल में अभी भी, वो कैसे आएंगे और 15 दिन की कैसी एप्लीकेशन देकर, 15-15 दिन का कौन एप्लीकेशन देता है यहाँ पर, और 15 दिन का एप्लीकेशन देकर भी कौन रहेगा 15 दिन का? मैं बाहर देश में जा चुका हूँ, 16 कंट्री में जा चुका हूँ, इसके बारे में मुझे पता है, अगर वो वीज़ा ख़त्म हो जाए तो एक दिन भी नहीं रह सकता वो आदमी, पुलिस प्रशासन उनको सीधा पकड़ के वो जेल में डाल देता है।
तो इसके लिए हम वो बाहर देश से भी लोग आते हैं, वो क्या करेंगे? हम लोग भी उतने दूर से, यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर नागपुर है, उतने दूर से हम लोग आए, किस लिए आए? दो दिन हो गए हम यहाँ आए कि हमारे पवित्र भूमि को बचाने के लिए आए हैं, इस भूमि को नतमस्तक। सर, नागपुर से आरएसएस का जो है हेडक्वार्टर है, क्या कहीं ना कहीं जो है बौद्धों को रोकने के लिए आरएसएस की चाल हो सकती है? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि अगर उसके बारे में अगर कोई आदमी हमको अगर दिखे या कोई उसका सबूत मिले तो ठीक है, नहीं तो बेवजह हम वो भी नहीं उसको बोल सकते हैं, और बोल भी सकते हैं कि अगर उनकी ऐसी ऐसी चाल है तो। लेकिन मुझे तो लगता भी है और नहीं भी लगता कि इसके बारे में वो लोग इधर में ऐसा करेंगे करके, क्योंकि नागपुर में पहले होता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बाकी राज्य में अगर उनका ऐसा एक चलता रहा या लोगों को वो एक इतना तकलीफ या इसी तरह का मतलब सरकार वो चलाते रहे, तो उनको भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इस देश में बहुत बड़ा दंगा तूफान अभी मतलब आगे आने की एक संकेता है। क्यों? क्योंकि आज लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी से निकाला गया, उनके पास काम धंधा नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, लड़के बेरोजगार है। और ये वो तो बात छोड़ दीजिए, राशन भी मिलता है आपके इधर में, 5 किलो मिलता है। अब महाराष्ट्र में देखो तो सब कुछ ठीक ठाक है, महाराष्ट्र में देखो तो 35-40 किलो मिलता है, 10 रुपये में भरपेट सुबह शाम का खाना मिलता है। इसलिए आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि ये योगी जी से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब के माध्यम से कि ये हमारा जीवन है, सबका जीवन एक जैसा होता है, और भगवान बुद्ध का ये देश है। क्यों देश भगवान बुद्ध का है? क्यों भगवान बुद्ध ने इस देश के लोगों को जानवर जैसे पहले थे, उनको मार्ग सिखाया, उनको समता का जीवन सिखाया, प्रेम का जीवन सिखाया, शांति का जीवन सिखाया। आखिरी सवाल यह है सर, अगला जो कदम होगा तो संदेश क्या देना चाहेंगे बौद्ध अनुयायियों को? देखिए, बौद्ध अनुयायी को हम अगला संदेश यही देना चाहेंगे कि वो सबसे पहले अपनी उन्नति करे, अपने काम धंधे को मजबूत करे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, अपने मन को मजबूत करे, और सभी संगठन एक मेक के विरुद्ध ना होते हुए प्यार से, मैत्री से, संगठना से, मतलब संगठित होकर रहे। तो ऐसा मैं संदेश उनको देना चाहूँगा कि जब तक वो संगठना में से नहीं आएंगे, और वो तो वो सबसे पहले मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि जो भिक्खु संघ है या उनके एरिया में विचार कोई विहार है, वो विहार के लिए या भिक्खु संघ के लिए कुछ ना कुछ दान करें। मैं बुद्धिस्ट लोगों को ये बोलना जरूर चाहूँगा, क्योंकि दान में इतनी शक्ति है, दान में इतना पावर है कि ये परंपरा आज की नहीं है, भगवान बुद्ध के काल से चले आती हुई परंपरा आज भी बरकरार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बुद्धिस्ट लोगों को मैं इतना ही चाहूँगा कि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, अपने मन को मजबूत करें, और किसी बात का डर अपने मन में ना रखे। और हाँ, एक बात और ज़रूर है, किसी से मतलब किसी के ऊपर जुल्म ना करे, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ना करे, किसी की चोरी हत्या बेवजह ना करे, शांति का जीवन जिए, और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर अगर वो चले तो उनकी उन्नति, मैं बोलता हूँ 100% होगी। मैं इस पवित्र भूमि पर बैठा हूँ, धम्मिक स्तूप, जहाँ पर ये भगवान बुद्ध ने ऐसा संदेश दिया कि वो संदेश आज देश में नहीं, पूरे संसार में फैला हुआ संदेश है। तो उस संदेश का अगर पालन करते हैं तो सभी लोग, सभी जनता या तमाम लोग इससे सुख शांति पा सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि सब लोगों को सहाय करें, और एक मेक को हम ऐसे ही मैत्री भाव से रहे या एक मेक को सहायता से रहे। तो उसके कहने का मतलब है सर कि संगठित में रहें, एकत्रित जो है मैत्री के सम्मेलन हो। तो इसी के साथ जो है बंते जी से बात हुई, बंते जी ये कह रहे हैं अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक बड़ा आंदोलन होगा, इसी के साथ चलो को देखते रहिए।